उड़ीसा में दो कार्यक्रम पे भाग लिया। पिछले सप्ताह में आदरणीय वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी आई थी 10 दिन पहले। हम लोगों ने पुरी में जो 1805-6 में जो एक शहादत हुई, जय राजगुरु जिन्होंने पूरी श्री मंदिर की रक्षा के लिए एक बड़ा लड़ाई लड़े, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े, जिनको फांसी दिया गया, उनके गांव गए थे मेरा देश मेरा मट्टी के कार्यक्रम में, मेरा माटी मेरा देश उस कार्यक्रम में। उससे लेके मैं कल भी गया था ढेंकानाल जिले में, हरे कृष्णपुर गांव में गया था। ऐसे ही 20वीं सदी की प्रारंभ में एक सुपुत थे, उनकी गांव गया था। ये सारे में मैं इसीलिए आपके सामने वर्णन कर रहा हूं। इस बीच में कृतज्ञ देश, एक काम प्रधानमंत्री जी ने दिया है, आजादी के उपरांत भी हमारे जो शहादत जिनकी हुई है, हमारे मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो लोगों की बलिदान से आज देश सुरक्षित हुआ है, आज भी हमारे उड़ीसा और हमारा देश आप लोगों की परिश्रम से आप लोगों की त्याग से सुरक्षित है। आज भी मन भर जाता है जब भी कभी न्यूज आता है देश की कोई डिफिकल्ट इलाका में देश विरोधी ताकतों से, संविधान विरोधी ताकतों से हमारी फोर्सेस की लड़ाई होती है, पैरामिलिट्री की लड़ाई होती है। अमूमन तो हमारा विजय होता ही है, विजय होना सुनिश्चित है, लेकिन कभी कभी दुखद घटना हो भी जाती है। ये देश राष्ट्र इसको ना भूले, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को आह्वान दिया है हर एक गांव से मिट्टी जाए, हर एक जिले में इस प्रकार की स्वतंत्रता सेनानी से लेके शहीदों की याद किया जाए, उनको सम्मानित किया जाए, और अक्टूबर अंत तक देश भर की सभी गांव का मिट्टी संग्रह होते हुए दिल्ली की वार मेमोरियल के पास पहुंचे, तब आजादी के अमृत महोत्सव में सार्थक होगा, हमारी बलिदानियों की बलिदान सार्थक होगा, उनको देश कृतज्ञता ज्ञापन करेगा। यही ये कार्यक्रम है, मैं आने वाले दिनों में आप सभी का उसमें सहयोग कामना करता हूं। आप लोग इसमें से अपने देश की दायित्व है, हम अपने कृतज्ञता देश की शहीदों के प्रति समर्पित करें। मित्रों, मैं अंत में आपकी नई जिंदगी की सफलता के साथ साथ एक विषय का मैं उल्लेख करूंगा। शिक्षा और कौशल्य विभाग की दायित्व मेरे पास है। देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गया है, उसमें अनेक प्रकार की नया इंस्ट्रूमेंट नया इनिशिएटिव लिया गया है, उसमें से एक है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। आप जो अभी काम कर रहे हो, जो पढ़ाई करके आए हो, या आगे आपकी कैरियर ग्रोथ में आपके काम के अनुभव को भी क्रेडिट में परिवर्तित करके आपकी ग्रोथ को मदद किया जाएगा, एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बहुत बड़ी इनिशिएटिव है। आप सभी लोग अपने कैरियर को, क्योंकि स्किलिंग रीस्किलिंग अपस्किलिंग ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, जिंदगी अंतिम क्षण तक सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मैं आपको आज के दिन में फिर शुभेच्छा देता हूं। चंद मिनटों में माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं आपकी नई जिंदगी की शुभेच्छा देते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।